ओके, आज हम दोबारा से एक और नई बुक रिव्यू करने वाले हैं, विच इज़ एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी 2.0, रिटन बाय डॉक्टर अभिनव कुमार वत्स। नॉट एग्जैक्टली सर, बट सर की टीम ने ही डिज़ाइन करी है। राइटर एनसीईआरटी निचोड़ डॉक्टर हिमांशु ओझा सर एंड डॉक्टर शिवशंकर मित्तल सर। ओके गाइस, कंटेंट देखते हैं। कंटेंट इन्होंने पूरा 38 यूनिट्स, लाइक 38 जो चैप्टर्स हैं हमारी बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर, 166 पेजेस में ख़त्म कर दिए यार। लाइक बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया, कंसाइज फॉर्म के अंदर सारे टॉपिक्स कवर किए हैं विद ब्यूटीफुल डायग्राम्स। लाइक सी द डायग्राम्स, मतलब सारे कलर क्वालिटी बुक के अंदर इन्हांस होकर आ रहा है। जिसका पढ़ने का मन नहीं हो वो भी पढ़ने बैठ जाए। ओके, बुक के अंदर देखते हैं सारे चैप्टर्स बहुत इफेक्टिवली इन्होंने लिया है, डाले हैं। लाइक सी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सारे डायग्राम इस तरीके से हैं कि आप कहीं से कुछ भी, कोई किसी का भी डेरिएशन उठा के देख लें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बहुत अच्छी बुक है। साथ ही साथ इन्होंने इस बार ना एक नई चीज़ ऐड करी है इसमें, लेट मी शो यू, विच इज़ अमेजिंग पॉइंट एडेड इन एनसीईआरटी ने जो 2.0, लाइक एब्रिविएशन, टर्म कॉइंड, साइज मेंशन इन एनसीईआरटी, प्राइज एंड अवार्ड्स, वो ये चीज़ है जिसको इन्होंने बाल की खाल का नाम दिया है। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सब कुछ है। लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो हम छोड़ देते हैं ना एनसीईआरटी के अंदर ही छोड़ देते हैं, वो सारी चीज़ इनकॉर्पोरेट करी है। लाइक साइज गिवन इन चार्ट, प्राइज एंड अवार्ड्स इन एनसीईआरटी, क्लासिफिकेशन बेसिस इन एनसीईआरटी, ईयर गिविंग इन एनसीईआरटी। हियर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज, विच इज शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं उसको। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में क्या शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए थी वो यहीं के यहीं ख़त्म कर दी। देखो इन्होंने साथ ही साथ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंदर 5 पॉइंट के अंदर, 4 पॉइंट के अंदर पूरी चीज़ समझा देना, बहुत मुश्किल होता है इसको इतना कंसाइज लेके जाना, बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से इसको इतना इफेक्टिवली कंसाइज किया है। 166 पेजेस को आप समझ सकते हैं होते ही क्या है। हम मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि एनसीईआरटी में से नीट का पेपर उठता है। अब उसको हम रिवाइज करें बार बार इतनी मोटी बुक के साथ जो एनसीईआरटी देता है हमें, या एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं उनको हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, मल्टीपल रिवीजन पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार बहुत बड़ी बुक्स होती है। अब इतनी सी बुक को तो हम महीने में भी दो बार उसको अगर ढंग से पढ़ें तो रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगेन इन लोगों ने जिस तरीके से दूसरी बुक्स के बारे में बताया है, QR कोड्स दिए हैं अलग अलग बुक्स के, और सबसे अच्छी चीज़ जो ये हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं वो, जैसे हाउ टू यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट इफेक्टिवली बाय एबी के सर, 10 पॉइंट दिए हैं, 10 की पॉइंट्स के अंदर से आप प्रीवियस ईयर को कैसे ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ एक और जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बुक है वो यहाँ पे उसका QR कोड दिया है, यहाँ से परचेज कर सकते हैं हम। इसका रिव्यू भी मैं मंगवा के ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन है नीट का जी, उसके बारे में बताया है, जिसके ऊपर अराउंड 95 लाइक यूट्यूब चैनल पे, मैं भी लाइक सब्सक्राइबर उनका, 95K+ जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो बिग थम्स अप्स टू दिस बुक, एंड इसकी रेट भी देख लेते हैं, विच इज़ 499 ओनली, अमेजोन पे 499 की है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से इन्होंने बनाई है। तो बिग थम्स अप अगेन टू दिस बुक, थैंक यू।